थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत फतेहाबाद रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब बदमाश गोली कांड को अंजाम देते हुए मनी एक्सचेंजर से लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बदमाशों की तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि बीती रात थाना कासगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने गोली कांड को अंजाम देते हुए मनी एक्सचेंजर से लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही थाना ताजगंज पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गए। ये आर फॉरेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है जो कि मनी एक्सचेंज का कार्य करता है। इसके डायरेक्टर रचित पात्रा हैं, वो दुकान बंद करके अपना पैसा लेकर के जा रहे थे। जैसे वो अपनी दुकान के बाहर निकले थे तो एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी आती है और उससे कुछ लोग अज्ञात लोग उतरते हैं, उनसे बैग छीनने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा फिर फायरिंग की जाती है जिसमें उनको गोली लगती है और अभी उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी उनकी स्थिति सही है और उसके बाद फरार हो जाते हैं। इस पर सभी सीनियर अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया है और हम लोग इस घटना तो का नाम लेकर वो फरार हो जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ इंडियन करेंसी और कुछ फॉरेन करेंसी हैं। एग्जैक्ट अमाउंट वो अभी कैलकुलेट करके हमें अवगत कराएंगे और इस पर सभी सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल निरीक्षण किया है और हम लोग घटना के सफल अनावरण के लिए 6 टीमें हमने बनाई है और फील्ड पे मैं स्वयं मौजूद रह के सभी सीसीटीवी कैमरा देख रहा हूँ और जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया, यह घटनाक्रम की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। व्यापारी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और बदमाशों की तलाश के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही पूरे घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।